देखो प्रेमियों, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। आपको बताया शुरू में, गांधी जी अब इस समय नहीं रहे, दुनिया संसार से चले गए। उनका काम जब पूरा होगा तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। गांधी जयंती मनाने से, पुण्यतिथि मनाने से गांधी जी की आत्मा को शांति नहीं मिल सकती है। गांधी जी की आत्मा को शांति मिलेगी जब उनका मिशन पूरा होगा। देश तो उन्होंने आज़ाद करा दिया, और देश की आज़ादी के बाद देश के लिए वो अपने कुर्बान भी हो गए, लेकिन वो ये नहीं सोचे थे कि जिस मिशन को हम लेकर के चल रहे हैं, इसी मिशन को आगे चल करके लोग ख़त्म कर देंगे। उनका निशाना क्या था कि सत्य और अहिंसा, सच्चाई को लोग अपनाएं, सत्यवादी बन जाएं, ताकि सच्चिदानंद उनकी मदद करने लग जाए और हिंसा से दूर हो जाएं, हिंसा हत्या न हो। अब देखो वही चीज़ बढ़ती चली जा रही है, और जो रक्षक हैं वो भी अगर चाहें तो बचा सकते हैं हिंसा हत्या। जो मांसाहारी हैं वो लोग भी अगर चाहें तो ये जो जीवों की हिंसा हो रही है, हत्या हो रही है, उससे उनकी बचत हो जाए। तो अब आप ये समझो कि जब सिरहाग तले अंधेरा, एक कहावत है, जो इस काम को करने वाले हैं वही नहीं ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हम आप अगर प्रस्ताव पास कर लें और हम आप अगर संकल्प बनाएं कि हम अपने स्तर से यानी समझो ये संदेश देंगे लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बनाएंगे, तो प्रेमियों अभी काम हो जाए। तो ये आप चाहते हो आज 2 अक्टूबर के दिन कि लोग शाकाहारी नशा मुक्त हो जाएं? अरे तो हाथ उठाओ, चाहते हो तो हम भी चाहते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि गांधी जी का सपना पूरा हो जाए, लोग सत्यवादी हो जाएं, हिंसा हत्या से दूर हो जाएं, सबके अंदर मानवता आ जाए, सबके अंदर एकता आ जाए, मानो के अंदर में जगह बना ले, दिल में जगह बना ले प्रेम की। हम भी यही चाहते हैं, इनको भी यही चाहिए। ये जो देश के रहनुमा बने हैं, ये जो अनि समझो शासन प्रशासन वाले लोग हैं, इनको भी अपनाना चाहिए गांधी जी के सिद्धांत को, उनके आत्मा की शांति के लिए उनको भी अपनाना चाहिए। लेकिन हम आपको अपना ही सकते हैं, वो हमारे सुने चाहे ना सुने, लेकिन आप तो सुन सकते हो। आप लोग सुनो और समझो और इसको लागू करो, और अगर ये नहीं मानेंगे, ये नहीं करेंगे, तो हम तो देवताओं की अदालत में पास करा लेंगे इसकी, और हो जाएगा पास। ये आने वाले समय में आप देख लेना, कुछ समय के बाद मांसाहार बिल्कुल बंद हो जाएगा, देश में बंद होगा, उसके बाद दुनिया में बंद होगा, चाहे खुद लोग छोड़ेंगे। अगर हम आप कामयाब हो गए समझाने में तो खुद लोग छोड़ देंगे, और नहीं तो ऐसी स्थिति आएगी कि यह शासन प्रशासन वाले खुद छोड़ेंगे और लोगों को छुड़वाएंगे जबरदस्ती। और यह भी अगर नहीं कर पाएंगे तो कुदरत का बड़ा लंबा हाथ होता है, वो जिनकी अदालत में यह पास कराया जाएगा वो देवी देवता बंद करा देंगे। ऐसा समय आ जाएगा कि आदमी इंसान मजबूर हो जाएगा इसको छोड़ने के लिए, फिर गांधी जी का सपना पूरा होगा। गांधी जी ही नहीं, गांधी जो संत आए, महात्मा आए, उनका भी सपना पूरा होगा। होने को तो ऐसे हो जाए, बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन विनाश बहुत होगा, मरेंगे बहुत। हम नहीं चाहते हैं, हमारे गुरु महाराज भी नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं। जो देवता नाराज भी हैं उनसे कह रहे हैं, जरा ठहर जाओ, एक मौका दे दो, इनको समझा लेने दो, ये मान जाएंगे, ये अबोध हैं, ये अज्ञानी हैं, इनको कोई बताने वाला नहीं है, ठीक से समझाने वाला नहीं है, थोड़ा सा समय दे दो, नहीं तो बच्चा तेरा कछुमन निकल जाएगा। कछुमन निकलता है जब यानी समझो आंधी आफत आती है, ऐसा होता है तो तकलीफ हो जाएगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि
के शांतिपूर्वक काम हो जाए। आज जोड़ रहा हूँ, मना रहा हूँ, आज जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कुदरत तो सबका हिसाब करती है। अभी सत्संग में शुरू में बताया आपको कि कर्मों का फल तो भोगने पड़ता है, कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता।